प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 इंग्लिश कंपलसरी अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र सैंपल पेपर अध्ययन करते हैं अपने। समय है 3 घंटे 15 मिनट और मैक्सिमम मार्क्स है 70। पेपर को पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन देखिए क्या है। कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट देयर रोल नंबर्स ऑन द क्वेश्चन पेपर। कैंडिडेट सबसे पहले अपने पेपर पर रोल नंबर लिखे। दूसरा है ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तीसरा इंस्ट्रक्शन है राइट द आंसर टू इच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली, दिए गए प्रश्नों के उत्तर केवल आपको उत्तर पुस्तिका में देने हैं। और चौथा है फॉर क्वेश्चन हैविंग मोर देन वन पार्ट, वे पर्सन जिनके एक से अधिक भाग हैं, द आंसर टू दोज पार्ट्स आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी, उनके उत्तर एक साथ देवे। और पाँचवा है दिस पेपर इज डिवाइडेड इन टू 4 सेक्शन, ये पेपर 4 भागों में बंटा हुआ है, ए बी सी डी, ऑल सेक्शन आर कंपलसरी, सभी भाग करने अनिवार्य हैं। सबसे पहले ए, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं रेड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन। ये जो आपको पैटर्न है वो ये बोर्ड का पैटर्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का। तो देख सकते हैं पहला पैसेज रेड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, पैसेज को पढ़ना और उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का है। ह्यूमन स्टे के बारे में है ये, तो आप ये सावधानीपूर्वक पैसेज पढ़िए और उसके बाद नीचे दिए गए इसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देख सकते हैं आप 1 से 6 तो रिटर्न के अंदर आपको जैसे 1 या 2 लाइनों के उत्तर हैं, और 7, 8, 9 है वो क्या है कि फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, ऐसा शब्द ढूंढिए जिसका अर्थ है सेल गुड्स टू अनदर कंट्री, दूसरे देश को सामान बेचना, हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ समथिंग, द सोशल पोजिशन ऑफ समबडी इन रिलेशन टू अदर्स। तो ये इनके आपको एक एक मीनिंग लिखने, एक एक शब्द है। दूसरा देखिए ये पैसेज रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर इन प्रश्नों के कुछ प्रश्नों के उत्तर बता दिए जाएंगे, कुछ के नहीं बताए जाएंगे। हम किसी अंग्रेजी के अध्यापक से पूरा पेपर हल करवा के ही आपको पेपर बताने वाले हैं, पेपर ज़रूर बताएंगे आपको। दूसरा पैसेज रेड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर, ये देखिए आप ये पैसेज पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रश्न है कि वह हंड्रेड गांधी जी वाइफ स्केप डेथ थ्रू सीरियस इलनेस फॉर द फर्स्ट टाइम, ये इसमें जो प्रश्न है 6 के 6 प्रश्न ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपको उत्तर इनमें से छांटने, आफ्टर सत्याग्रह, ड्यूरिंग सत्याग्रह, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सत्याग्रह, नन ऑफ दिस। तो ये 6 के 6 प्रश्न हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप वाले यानी या ABCD वाले हैं, इनमें से कोई उत्तर छांट के लिखना है। सेक्शन बी आ गया सेक्शन ए के बाद। सेक्शन ए में 2 पैसेज थे, सेक्शन बी देखिए। सपोज यू आर अरविंद स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनागढ़। आप जूनागढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, आपका नाम अरविंद है। एज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, आप स्टूडेंट यूनियन के क्या हो, सेक्रेटरी हो, सचिव हो। राइट ए नोटिस टेलिंग अबाउट द चिल्ड्रंस डे टू बी सेलिब्रेट ऑन 14th November 2023। आपको क्या करना है, नोटिस लिखना है, राइट ए नोटिस, वो भी किसके बारे में, चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस जो 14 नवंबर को मनाया जाता है, उसके ऊपर आपको नोटिस तैयार करना है। तो आप नोटिस तैयार कर सकते हैं, नोटिस लगभग एक जैसा पैटर्न होता है नोटिस का। इसके अथवा में क्या है, मिस्टर RP वर्मा सन जिग्नेश हैज रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग हिज MBA फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मिस्टर RP वर्मा का पुत्र जिग्नेश है वो भारत लौटा है MBA करने के बाद, यानी ऑस्ट्रेलिया से MBA करने के बाद भारत लौटा है। फॉर दिस ही इज ऑर्गेनाइज ए गेट टुगेदर ऑन 15th November 2020 at 8 PM at his residence, यानी
वो अपने रेजिडेंस पर एक साथ मिल बैठ के कोई पार्टी वगैरह करने जा रहे हैं। यू आर मिस्टर संतोष गर्ग, वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ मिस्टर वर्मा, तुम मिस्टर वर्मा के एक मित्र हो, नाम है तुम्हारा संतोष गर्ग। यू हैव रिसीव्ड द इनविटेशन फॉर द सेम, और तुम्हें इसके लिए इनवाइट किया गया है। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, यानी आप इनविटेशन को स्वीकार करते हुए इनफॉर्मल रिप्लाई तैयार कीजिए। तो ये दोनों में से आपको कोई एक करना है। तो ये तो आपका रिप्लाई इनविटेशन का, और ऊपर वाला है नोटिस तैयार करना। आसान तो वैसे नोटिस तैयार करना है, लेकिन ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर चार की। प्रश्न नंबर चार देखो, ओम इज ए रिपोर्टर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। ओम है वो लोकल न्यूज़पेपर का रिपोर्टर है। ही विटनेस्ड ए फूड पॉइजनिंग इन ए मैरिज डिनर एंड डिसाइडेड टू प्रेजेंट ए रिपोर्ट ऑन इट। राइट द रिपोर्ट। ओम लोकल न्यूज़पेपर का रिपोर्टर है। तो प्रश्न नंबर जो चार है आपका वो है रिपोर्ट का, कि ओम इज रिपोर्टर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, ही विटनेस्ड ए फूड पॉइजनिंग इन ए मैरिज डिनर एंड डिसाइडेड टू प्रेजेंट ए रिपोर्ट ऑन इट। तो यानी फूड पॉइजनिंग के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अगर ये नहीं करते हो तो अथवा में दे रखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी, ये पैसेज दे रखा है और इसका आपको हिंदी अनुवाद करना है। द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज वेदर वी वॉन्ट टू रीड इट ओनली वंस और मोर देन वंस। पुस्तक के बारे में है कि एक पुस्तक को आप जितनी बार पढ़ते हो उतना ही टेस्ट यानी उतना ही आनंद बढ़ता जाता है। अच्छी पुस्तक होती है उसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नया अर्थ निकल कर आएगा, यानी उसका वास्तविक गुड अर्थ है वो तक आपको मालूम हो जाएगा। तो ये आप इसका हिंदी अनुवाद कर लेना। प्रश्न नंबर पाँच देखिए, यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर फ्यू बुक्स विथ मोहन पुस्तक मंदिर, चौड़ा रास्ता, जयपुर। यू हैव नॉट रिसीव्ड द बुक्स टिल डेट। राइट लेटर टू देम कंप्लेनिंग अबाउट द नॉन कॉम्प्लियंस ऑफ योर ऑर्डर। यू आर सतीश गुप्ता, रिसाइडिंग रामनगर कॉलोनी चुरू, यानी आप रामनगर कॉलोनी चुरू में रह रहे हो और आप मोहन पुस्तक मंदिर जो चौड़ा रास्ता जयपुर है उनको आप पत्र लिखो। आपने कुछ पुस्तकें मंगाई थी और वो पुस्तकें आप तक पहुँची नहीं है, तो उनको आप शिकायती पत्र लिखो कि आप हमारी पुस्तकें पहुँचाएं। नीचे वाला है थ्वामी, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन डेली रूटीन ऑफ कॉमन मैन। यू ऑलमोस्ट मिस्ड योर इम्पोर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज पीपल ब्लॉक्ड द हाईवे। एज तरुण तरुणा, स्टूडेंट एस्पायरिंग टू बी अ डॉक्टर, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स इंडिया हाईलाइटिंग द नीड ऑफ ए डिस्कोरेज सच डेमोन्स्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंस बाई द पब्लिक ऑफ हाईवे विच कॉजेज ए ग्रेट लॉस ऑफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ मैनी। देखो सड़क के ऊपर यानी जो हाईवे रोड है उस पर बहुत सारे पशु या कचरा वगैरह पड़ा हुआ है और उससे अव्यवस्था होती है, तो इसलिए आपको क्या करना है, एडिटर को एक पत्र लिखना है हाईवे की स्थिति बताते हुए। ये हो गया सेक्शन बी। अब आ गया सेक्शन सी, जो आपकी ग्रामर का है, व्याकरण का है सेक्शन सी। प्रश्न नंबर 6, 7 और 8। 6 नंबर क्या, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिव गिवन इन ब्रैकेट। ए गर्ल हैज रिटन दिस लेटर, एक लड़की ने ये पत्र लिखा है। यू सिलेक्ट हर, जिसको तुमने सिलेक्ट किया था। वो हमेशा दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, तो आपको यहाँ से हर हटा देना है और आरंभ में लिख लेना है इसके वोम यू सिलेक्टेड। अब इधर देखना ये किसके लिए आया है, तो ये आया है एक गर्ल के लिए, तो आप इस प्रकार से लिखोगे, ए गर्ल वोम यू सिलेक्टेड। अब आगे का उतार दो, हैज रिटन दिस लेटर, हैज रिटन दिस लेटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला है,
दो नंबर, वी वॉन्ट टू नो, हम जानना चाहते हैं, वी आर गोइंग समवेयर वहर, हम कहाँ जा रहे हैं। तो देखो आपको वहर समयवाचक है तो समवेयर हटा दीजिए आप, इसके स्थान पर वहर आ जाएगा, परंतु स्थान यहाँ पर नहीं आएगा, यह वाक्य के आरंभ में आएगा। तो वहर वी आर गोइंग, कुछ नहीं करना आपको, पहले पूरा वाक्य लिख दो, वी वॉन्ट टू नो, हम जानना चाहते हैं, वहर वी आर गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। तो वहर दोनों के बीच में लिख दो यहाँ पर, वी वॉन्ट टू नो वहर वी आर गोइंग, हम जानना चाहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, और आप समवेयर को हटा दोगे। आसान सा बिल्कुल। अब सात नंबर देखो, कंबाइन इज सेट ऑफ सेंटेंस इन टू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड, यानी जो डायरेक्शन दिया गया, निर्देश दिए गए, उसके अनुसार आपको वाक्य में बदलाव करना है। ही फेल टायर्ड, उसने थकाव महसूस किया, ही सेट डाउन टू रेस्ट, और वो रेस्ट के लिए बैठ गया। सिंपल सेंटेंस में आपको बनाना है। तो आप इसको पहले आराम, पहले थका है और उसके बाद वो बैठ गया है, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं सीधा, देखो टायर्ड ही सेट डाउन टू रेस्ट, या फिर ऐसे बना सकते हैं हैविंग टायर्ड, हैविंग टायर्ड ही सेट डाउन टू रेस्ट, फिर पूरा वाक्य उतार दो, हैविंग टायर्ड, थक कर ही सेट डाउन टू रेस्ट, आराम के लिए बैठ गया। ऐसे हो जाएगा आपके सातवें का पहला। अब देखिए सातवें का हम दूसरा करते हैं, आई एम इन द राइट, मैं सही हूँ, यू आर इन द रॉन्ग, तुम गलत हो, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का प्रयोग आपको करना है। तो कंपाउंड सेंटेंस में कंजक्शन लगते हैं, पर ये दोनों विरोधाभास है, एक तो राइट और दूसरा रॉन्ग है, तो बट का प्रयोग कर दो बस, और कुछ नहीं करना आपको, क्या लगाना है बट, बाकी देखो बीच में लगाना है कि आई एम इन द राइट बट यू आर इन द रॉन्ग, मैं सही हूँ लेकिन तुम गलत हो, मैं सही हूँ लेकिन तुम गलत हो। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब आठवां प्रश्न देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, आपको एक नंबर दो नंबर में तो प्रेपोजिशन भरना है, तीन नंबर और चार नंबर के अंदर आपकी है फ्रेजल वर्ब। पहला है ही इज जूनियर, वह जूनियर है टू मी, तो जूनियर सीनियर इनके लिए टू का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है, ही इज जूनियर टू मी। तो दूसरा है सी डिड नॉट एग्री विद मी, इसमें हो जाएगा विद हो जाएगा, सी डिड नॉट एग्री विद मी हो जाएगा। तीसरा द ऑनर ऑफ द शॉप हैज हिज टू सर्वेंट, द ऑनर ऑफ द शॉप हैज हिज टू सर्वेंट, दुकान के मालिक ने हैज हिज टू सर्वेंट, अपने दो नौकरों को टर्न्ड अवे यानी लौटा दिया, वापस भेज दिया, तो ये इसमें टर्न अवे आ जाएगा। और चौथा है द प्रिजनर कैदी फ्रॉम हिज गार्ड्स, अपने सुरक्षा से भाग गया, तो ये ब्रोक आउट, ब्रोक आउट माने थे भागना, टर्न अवे और ब्रोक आउट आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ, ये आपकी पुस्तकें वाला भाग आ गया, चार ही सेक्शन है डी सेक्शन। तो प्रश्न नंबर नौ देखिए, रेड द फॉलोइंग ए पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, आई वांट टू ड्राइव ए कार, अब आपको ये पेसेज पढ़ना है और सावधानी पूर्वक उत्तर देना है, और ये जो पेसेज है वो आपकी पाठ्यपुस्तक है, फर्स्ट पाठ्यपुस्तक है, उसी से लिया गया है, आई वांट टू ड्राइव ए कार, लॉस्ट सुप्रिंग वाला है, मुकेश वाले बाट से, और आपको नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। व्हाट डज मुकेश लुक फॉरवर्ड टू बिकम, व्हाट डज मुकेश लुक फॉरवर्ड टू बिकम, मुकेश क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक। वेयर डज मुकेश लिव, व्हाट इज इट फेमस फॉर, मुकेश कहाँ रहता है और ये क्यों प्रसिद्ध है। देखो इसमें शायद आपको पता होगा फिरोजाबाद, यानी मुकेश कहाँ रहता है, फिरोजाबाद में रहता है, और फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध, ये उत्तर हो गया। तीसरा
व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद? फिरोजाबाद शहर में प्रत्येक एक दूसरे परिवार के क्या काम होता है? बस यही, चूड़ियाँ बनाना। तो इट इज़ द सेंटर ऑफ द क्लास में, ये देखो फैमिली जनरेशन वर्किंग अराउंड द फर्नेस वेल्डिंग बेंगल्स, यही इनका काम है। और चौथा, वेयर हैव फैमिली स्पेंड देयर जनरेशन, कहाँ बिता दिया? तो यही प्रश्न बनता है, देखो अलग अलग टुकड़ों में रहो कि उनका व्यवसाय क्या है। तो चूड़ियाँ बनाना, इसमें तो चूड़ियाँ बनाना कर दो, इसमें नीचे वाली पूरी लाइन लिख दो। और पाँचवा क्या है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेज इफेक्टिकली। इफेक्टिकली होता है प्रभावशाली तरीके से कहना। और प्रभावशाली तरीके से, ये देखो ये इंस्टिट्यूट है ना, इंसिस्ट, ये प्रभावशाली तरीका हो गया। उसके बाद है छठा, देखिए फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच ऑपोजिट टू ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मन तोड़ना, अब इसका आपको ऑपोजिट बताना है, विलोम शब्द आपको बताना है। ये रहा वेल्डिंग, वेल्डिंग माने जोड़ना और ब्रेकिंग माने तोड़ना। अब देखो 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में उत्तर देना, 4 अंकों का है। व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसीडर्ड द चंपारण इंसिडेंट टू बी ए टर्निंग पॉइंट ऑन हिज लाइफ? गांधी ने चंपारण घटना को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट कैसे माना? 4 अंकों का है। या अथवा वाला है, वाई वर द जर्नलिस्ट एंड द पब्लिशर्स पजल्ड एट द सक्सेस ऑफ अम्बर्टो इको'स नॉवेल द नेम ऑफ द रोज, यानी अम्बर्टो इको का नेम ऑफ द जो नॉवेल है द नेम ऑफ द रोज, वो किस प्रकार से सफल हुआ और उससे आश्चर्य क्यों हुआ? द इंटरव्यू वाले पार्ट से, तो दोनों में इसको एक करना, या ऊपर वाला या नीचे वाला। 11 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-25 वर्ड्स, यानी आपको 2-3 लाइनों में उत्तर देने हैं, 2-2 अंकों के हैं। हाउ डिड द ऑथर स्टार्ट लर्निंग स्विमिंग, यानी लेखक ने तैरना सीखना कैसे शुरू किया? और दूसरा है ये डीप वाटर से हो गया, दूसरा गोइंग प्लेसेज है। व्हाट वर द ऑप्शन दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ, सोफी किस प्रकार के सपने देख रही थी? व्हाई डज जेन शी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स, और जेन शी उसको हतोत्साहित क्यों कर रही थी ऐसे सपने देखने में? तो आपको पता है वो बोटी खोलना चाहती थी, फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, बैंक मैनेजर, एक्टर वगैरह। 12 नंबर, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा विथ रिफरेंस टू द कंटेक्स्ट। अब ये जो स्टेंजा दे रखा है इनके आपको रिफरेंस कंटेक्स्ट वगैरह दिखनी है। सच आर डेफोडिल विथ द ग्रीन वर्ड दे लिव इन एंड क्लियर, तो ये पोइम आप पढ़िए। और एक नीचे वाली, द हार्ट ऑफ द सीनरी वुड नॉट बी कंप्लेंट द सो मच ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड्स स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी। दोनों में से कोई एक आपको करना है रेफरेंस कंटेक्स्ट सहित। 13 नंबर देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों प्रश्न का उत्तर 80 शब्दों में लिखना है। अब ये दूसरी बुक का प्रश्न है, दूसरी बुक का प्रश्न नहीं है, ये आपके पोइम का है 4 अंकों का। आपको समरी लिखनी कीपिंग क्वाइट पोइम की, या फिर आंट जेनिफर के टाइगर हैं वो समाज की टायरनी होती है, तानाशाही रवैया, दुर्दत्ता कह सकते हैं अपने, उसके बारे में आपको बताने। तो दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-25 वर्ड्स। अब आपको 20-25 शब्द में, यानी 2-2.5 लाइन में उत्तर देना है। पहला है माई मदर एट 86 से, दूसरा इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम से, क्या है वॉट आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज सेपरेटिंग, यानी युवा पेड़ों को भागते हुए क्यों बताया गया? व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे थ्रू दिस पोइम, इस पोइम के माध्यम से कवि क्या मैसेज देना चाहता है? अब आ गया दूसरी बुक से, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में उत्तर देना है, 4 अंकों का है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सेम लेटर टू चार्ली, सेम के लेटर के बारे में चार्ली का क्या विचार है? और द थर्ड लेवल पार्ट से है, अथवा में इन व्हाट वे द जिटकल्लासा रिबेल टू सेव हर हेयर फ्रॉम बीइंग सिंगल्ड, जिटकल्लासा अपने बालों को बचाने के लिए किस प्रकार का विरोध करती है? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड पार्ट से दिया गया है। अब देखो
प्रश्न नंबर 16 क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20-25 वर्ड्स, दो तीन लाइनों में उत्तर देना है। दो प्रश्न हैं, सेकंड बुक से हैं। वो आज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, व्हाई डिड ही गेट दैट नेम, उसे ये नाम कैसे प्राप्त हुआ। और दूसरा है, व्हाट आर द कॉमन फीचर ऑफ ऑल द स्टोरीज टोल्ड बाय जैक, ये शुड बी जैडेड, मम्मी वाली कहानी से। तो दोनों में दोनों करने आपके दो दो अंकों के हैं। अब आगे जो पहले छः आगे थे, अब छः और हैं, कौन से ऑब्जेक्ट टाइप पर्सन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये आपके पाठों से हैं, हो सकता है दो तीन पहले बुक से और दो तीन दूसरी बुक से हो सकते हैं। इन 10 years द महाराजा किल्ड अबाउट, 10 वर्षों में महाराजा ने कितने बाघ मारे। तो पहली बार लगभग 10 वर्ष में या 10 वर्ष में तो लगभग शुरुआत की बात करते तो 70 के आसपास बताएगी 70 बाघ। दूसरा, इन गोडवाना द एनिमल्स फाउंड वर, गोडवाना में किस प्रकार के जानवर पाए जाते थे, मेमथ, डायनासोर, बोथ। तो आपका सी उत्तर है। द वर्ड्स रिटन इन द केप ऑफ द सोल्डर्स वर, तो यानी सिपाही की टोपी पर क्या लिखा हुआ था, यूएस नेवी, यूएस आर्मी, यूएस एयरफोर्स। ये डॉक्टर सदाव वाले पाठ से हैं, यूएस तो था ही था, वो एयरफोर्स का नहीं था, शायद आर्मी या नेवी में से कोई एक का था, बाकी आप अपनी पुस्तक में देख लेना। चौथा है, द वाइज ओल्ड आउल सेंट रॉगर संकक टू गेट हेल्प टू, ये किससे हैं, जो से हैं, इसमें उत्तर क्या है, जो है, ए विजार्ड है, ए स्क्विरल है, या एक जैक है। पांचवा, व्हाट डिड मिस्टर लैम यूज टू मेक जेली, मिस्टर लैम जेली क्यों बनाता था, ये भी आप देख सकते हैं। और छठा है, जैकन वाज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑफ डीविंग, सीविंग, बीविंग, ये कौन सा उत्तर है। तो छः ऑप्शन वाले बड़े आसान हैं, आपने पढ़े होंगे, मैंने तो पढ़े नहीं हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका पेपर था और ये एक सैम्पल पेपर है, इसको पढ़कर आप कुछ फ़ायदा ले सकते हैं कि किस प्रकार से आपके पेपर आने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक नए पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटे का निशान अभी तक आपने नहीं दबाया तो घंटे का निशान दबा भी दीजिए, अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।